जय हिंद फ्रेंड्स, फाइनली C295 विमान रो प्रोडक्शन फैसिलिटी को गतकाली अक्टूबर 28 तारीख 2024 रे गुजरात रो बडोदरा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्पेन रो राष्ट्रपति को द्वारा उद्घाटन करा जायथिला। एही प्रोडक्शन फैसिलिटी को आम भारत रे टाटा एयरबस फैसिलिटी नाम रे जणा जिवो। एही फैसिलिटी रे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रो निर्माण करा जिवो। एही ट्रांसपोर्ट विमान रो एते डिमांड रही छि जे सारा विश्व रो 41 टी देश व्यवहार करिथांती। एही पॉपुलैरिटी को देखि 41 टी देश मध्यरु 19 टी देश C295 विमान रिपीट ऑर्डर दे छंती। वर्तमान समय रे आम भारतीय वायुसेना 6 C295 विमान व्यवहार करिथाय। C295 विमान रो परफॉर्मेंस रे आम वायुसेना भारी संतुष्ट रहिछि। सेथि पई वायुसेना सेप्टेम्बर 2021 रे 21000 कोटी रे स्पेन थारु एडिशनल 56 C295 विमान किनिबा को निष्पत्ति नैथिला। एही चुक्ति अंतर्गत 56 C295 विमान मध्यरु 16 विमान को सीधा स्पेन रु इंपोर्ट करा जिवो। बाकी 40 विमान को बडोदरा रो टाटा एयरबस फैसिलिटी रे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अंतर्गत निर्माण करा जिवो। एवं आशा करा जाउछि एही फैसिलिटी रु प्रथम C295 विमान 2026 रे भारतीय वायुसेना को मिलि जिवो। तेबे आसंतु जानिबा एही विमान को काहे के एते पसंद करा जाउछि एवं एही विमान रो किछि खास तथ्य विषय रे जानि नेबा। किंतु एहा पूर्वरु आपण मानन को एक छोटो रिक्वेस्ट, वीडियो को एक प्यारा लाइक एवं आम चैनल को सपोर्ट प्लीज। हां फ्रेंड्स, C295 विमान एते लोकप्रिय हेबार मुख्य कारण हला एहार मेंटेनेंस खर्च बहुत कम होइथाय। एही विमान को केवल 844 मीटर रो रनवे रु टेक ऑफ करा जाई पारे एवं 729 मीटर रनवे रे लैंडिंग करा जाई पारे। C295 विमान रो क्रूज स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा अटे, अर्थात एही विमान 482 किलोमीटर बेगरे निजरो पोजीशन को चेंज करि पारे। एही विमान 1555 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करि थाए। एही विमान निज सहित 9 टन ओजन रो कार्गो को ट्रांसपोर्ट करि पारे। एही विमान रु 71 जन जवानन को गोटिए जगा रु अन्य जगा को पठा जाई पारे एवं 41 जन पारा ट्रूपर को ट्रांसपोर्ट करा जाई पारे। वर्तमान विमान रो सबुठारु अति महत्वपूर्ण तथ्य विषय रे कहउछि, एही C295 विमान को 9 प्रकार अलगा अलगा प्लेटफॉर्म हिसाब रे व्यवहार करा जाई पारे। जदी टाटा द्वारा एही टेक्नोलॉजी को संपूर्ण एब्जॉर्ब करा जिवो, एही मॉडिफिकेशन पई टाटा को स्पेन उपरे निर्भर रहबा को पड़िबो नाही। C295 एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होई पारे, मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट होई पारे, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, गनशिप एयरक्राफ्ट, सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन एयरक्राफ्ट एवं वाटर बम्बर मध्य होई पारे। ए समस्त 9 प्रकार एयरक्राफ्ट पई केवल गोटिए प्लेटफॉर्म ही पर्याप्त अटे। एही अलगा अलगा प्लेटफॉर्म पई विमान को सामान्य मॉडिफाइड करी ऑप्टिमाइज करा गले नुआ विमान प्रस्तुत। जदी टाटा चाहिबो एही मॉडिफिकेशन प्रोसेस आम भारत रे ही तयारी होई पारिबो। प्रारंभ रे जों C295 विमान आम भारत रे तयारी करा जिवो एथिरे स्वदेशी कंपोनेंट 48% रहिबो। एहा परे धीरे धीरे स्वदेशी कंपोनेंट रो मात्रा 75% को वृद्धि हेबो। एही विमान आम भारत रे तयारी हेबा द्वारा रोजगार तो निहाती बढ़िबो। एहा सहित आम भारत रो इंजीनियर को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तयारी करबा एक्सपीरियंस मिलि पारिबो, जहा फल रे आगामी दिन रे प्योर स्वदेशी परिवहन विमान तयारी होई पारिबो। टाटा एयरबस रो एही फैसिलिटी रु आगामी दिन रे C295 विमान को विदेश को मध्य एक्सपोर्ट करा जिवो। ओवरऑल देखा जिवो तो एहा आम भारत पई पॉजिटिव डेवलपमेंट अटे। तेबे आपण माने कमेंट करी कुहंतु आम भारत को फ्यूचर रे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तयारी करबा उचित ना नाही। एवं वीडियो जदि इनफॉर्मेटिव लागिथिले वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित आम चैनल को सपोर्ट प्लीज। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।